नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि थाट असावरी यानी राग दरबारी। तो सभी स्केल से किस तरीके से उसको हम प्ले करें, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि सभी स्केल से किस तरीके से प्ले करना होता है। तो क्योंकि देखिए, सिंगर कहीं से भी गा सकता है, तो आपको हर जगह से बजाना आना चाहिए। तो चलिए मैं धीरे धीरे सभी नोट आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस स्केल से किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नोट है हमारा सी, ठीक है। सी से जब हम राग दरबारी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा, ठीक है। सा नी कोमल कोमल धा पा मा कोमल गा रे और सा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नोट है हमारा सी शार्प। सी शार्प से कैसे होगा ये प्ले, सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा, ठीक है। वैसे ही अब रोक्रम जाना आपको, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। नेक्स्ट नोट है हमारा डी, इससे कैसे प्ले होगा, सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा। तो डी नोट से इस तरीके से आरोह अवरोह दोनों करिएगा आप, क्योंकि मैं आरोह अवरोह अगर दोनों बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों लंबी हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे नोट पर जाते हैं वैसे वैसे ही आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। डी शार्प यानी दूसरी काली। दूसरी काली से हम कैसे प्ले करेंगे, सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा, इसी तरीके से अवरोह क्रम आ जाइएगा आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट नोट है हमारा ई। ई से हम अगर राग दरबारी हम प्ले करेंगे तो कैसे करेंगे, सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा, ठीक है दोस्तों, कोमल नी और सा, ठीक है। यानी हम जिस भी नोट से चलते हैं सेम वही नोट आगे आता है। जैसे हम यहाँ ई से चले, यहाँ पर भी ई आ गया आगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप विगनर हैं तो इस तरीके की आप स्लिप चुपका लें, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर इस तरीके से लिख के, और सेलो टेप से आप इसको चुपका सकते हैं। तो आपको केवल नाम चुपकाइए, सारे गामा पाधानी सा मत चुपकाइएगा, क्योंकि सारे गामा पाधानी सा कहीं से भी बजता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा रूट है वो है एफ़। एफ़ से हम किस तरीके से दरबारी बजाएं, सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा, ठीक है। नेक्स्ट नोट है दोस्तों हमारा एफ शार्प यानी तीसरा काला। सा रे कोमल गा मा प
पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। ठीक है, नेक्स्ट नोट है हमारा जी, सा, रे, कोमल गा। ठीक है, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। ठीक है, अब हमारा आ गया जी सा। देखिए दोस्तों क्या करना होता है, सा, रे, रे के साथ ही कोमल गा। ठीक, कोमल गा के बाद में मा, पा, पा के साथ में ही कोमल धा। ठीक है, कोमल धा, कोमल नी और सा। ठीक है, नेक्स्ट नोट है हमारा ए। ए से कैसे प्ले करेंगे हम इसको, सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल ही सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा, टोटल वाइट नोट है ए से ए तक। ठीक है, नेक्स्ट नोट दोस्तों हमारा क्या है, ए शार्प। ए शार्प या पांचवा काला आप कह सकते हैं, या इसको बी फ्लैट कह सकते हैं। इससे कैसे हम प्ले करेंगे, सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। ठीक है दोस्तों, अब नोट बचता है दोस्तों हमारा बी। तो बी से कैसे प्ले करेंगे, सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। ठीक है, सी का हमने यहाँ से प्ले किया था, तो आगे फिर वही सी आ जाता है, फिर हमें वैसे के वैसे ही प्ले करना है। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा, राग दरबारी बजाना सीखा सभी स्केल से। ठीक है, आरोह अवरोह आप चार चार छः छः दस दस बार करिए, तो उससे क्या होगा कि आपको हर नोट से राग दरबारी बजाना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिए और शेयर तो ज़रूर करिए, आपके शेयर बहुत कम आ रहे हैं, शेयर बहुत करिए वीडियो को, जिससे कि सभी लोग अच्छे से इसको सीख पाएँ। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।